Hello students welcome to first online university today we are going to learn about digestion and absorption you can download our app from app store and play store and you can apply coupon codes mission need and mission je to get special discounts so let's dive deep into the topic of digestion so digestion hai? what is digestion and what are the basic requirements of an organism अगर हम डाइजेशन को समझें तो हमें क्या पता चलेगा कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे सो व्हाट इज डाइजेशन इफ़ वी डिफाइन इट इट इज ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड द फूड दैट वी इनटेक इट इज़ नॉट इन अ सोल्युबल फॉर्म इट इज़ इन इनसोल्यूबल फॉर्म आवर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज दिस कॉम्प्लेक्स फूड एज इट इज सो वट विल वी डू वट विल आवर बॉडी डू टू डाइजेस्ट दिस Or to make it in a simple absorbable form, it will do the conversion and this conversion process. This conversion process is called digestion. So, conversion of complex food into simple absorbable. Why it should be in absorbable form? Because only the cells of our body can utilize that food which is in absorbable form, which can go to the cells.

Two methods, the mechanical method method. and biochemical method. so one is mechanical, one is biochemical. इन दो यूज़ करके बॉडी कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तो इस कंप्लीट प्रोसेस को इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा डाइजेशन अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमें क्यों कन्वर्ट करना है हम फूड को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हैं क्योंकि फूड जो है फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ओके एंड वट इज़ अदर बेसिक रिक्वायरमेंट सो देर आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट इज फूड एंड वाटर सो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज आर फूड एंड सेकेंड बेसिक रिक्वायरमेंट इज वाटर सो फर्स्ट थिंग इज फूड सेकेंड थिंग इज वाटर अब फूड से हमें क्या मिलता है वट डज द फूड गिव अस फूड विल प्रोवाइड अस द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाई दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बॉडी प्रोसेस लाइक द ग्रोथ लाइक डाइजेशन इट सेल्फ रिक्वायर्स फूड एंड इट विल विलट द एनर्जी फ्रॉम द फूड दैन रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स एनर्जी दैन ऑल अदर लाइक रेस्पिरेशन लाइक सर्कुलेशन दीज ऑल बॉडी दे रिक्वायर्स फूड And what is the requirement to water? Water is required for all the metabolic processes. Okay? All the important metabolic processes. And what are metabolic processes? All the living processes that are happening, all the living reactions, and catalyzed reactions, they are known as metabolic processes. Okay? And water will also prevent dehydration. This will prevent dehydration water keeps the body hydrated now what are the component of this food that will provide us energy so there are mainly major component and minor components okay so what are the major and minor component we all know that the major components are what there are three major components one is carbohydrate carbs second one is

कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट और वाटर का क्या काम हुआ वाटर का काम हुआ हाइड्रेशन को मेंटेन करना और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई हमारी फूड एंड वाटर तो अभी तक हमने समझा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की क्या है और इस बेसिक रिक्वायरमेंट को हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे करेगी द बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करेगी ओके okay. अब हम क्या समझेंगे कि इस यूनिट से हमें जब हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे तो वट वी आर गोइंग टू लर्न हमें लास्ट में क्या पता चलेगा हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे ठीक है सो so, बेसिकली हमने इस यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये हम इनिशियल्स में ही देख लेते हैं ताकि हमें बाद में पता रहे कि हम किस टॉपिक को कवर कर चुके हैं और किस टॉपिक से हमें क्या चीज़ लर्न करने को मिली है सो so, इस यूनिट में हम इस यूनिट को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ओके डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो इस सिस्टम के थ्रू कैसे हम अचीव कर पा रहे हैं सेकंड थिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया फूड का डाइजेशन पढ़ लिया तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फूड को बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी सो थर्ड थिंग जो हमें पढ़नी है वो क्या है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आए कहाँ से हैं ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे फूड से फोर्थ थिंग अगर सब चीज़ें सही चलती हैं तो डाइजेशन से लेके एब्जोप्शन तक पार्थ का पार्ट चलेगा लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रही हो या हमारे फूड के डाइजेशन को इफेक्ट कर रही हो जो इन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को ना बनने दे रही हो तो उस डिजीज़ की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं दैट इज़ द डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर मीन्स माल फंक्शनिंग सो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये चार चीजें हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे एंड मेक श्योर कि जब आप इस चैप्टर को फिनिश करें तब आपको इन चारों चीज़ों की नॉलेज हो ठीक है अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन डाइजेशन पे सो इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड सब्सटांसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म दिस इज वर्ट वी कॉल एज डाइजेशन तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने किसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट थिंग इज कन्वर्जन किसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एब्जॉर्बेबल वर्ड इज एज इंपॉर्टेंट एज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस वर्ड ओके नाउ ये प्रोसेस डाइजेशन की होगी कैसे कैसे हम इस डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो so, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ यूटिलाइज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेथड्स को यूटिलाइज करता है फर्स्ट मेथड इज़ मैकेनिकल मेथड सेकंड मेथड इज बायोकेमिकल मेथड ओके इन दो सिस्टम को यूटिलाइज करके डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है अभी हम आगे समझेंगे कि मैकेनिकल मेथड क्या है और बायोकेमिकल मेथड क्या है थर्ड थिंग इज द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर वॉटर एंड मिनरल्स एंड एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा वॉटर का यानी कि पानी वाइटमिन एंड मिनरल्स इनको यूटिलाइज करके इनको तो अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेगा और किसको एलिमिनेट करेगा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारा जनरेट हुआ उसको एलिमिनेट कर देगा ठीक है देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज से बना हुआ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इट इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्री कैनाल अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट्री क्या कैनाल क्या चीज है किस चीज़ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है एक कॉन्टीन्यूस ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एन तक जाती है सो इज एज ए कॉन्टीन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एन सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट द नीड पीपल कैन आस्क इज कि एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंसन क्या है क्या ये माउथ से एन तक जाती है या सिर्फ माउथ से स्टमक के पार्ट तक को एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे या स्टमक से इंटेस्टाइन के पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन को एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल रन फ्रॉम माउथ टू एनस ओके ऑर्गन्स ऑफ जी आई टी ट्रैक्ट दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अब इस वर्ड को समझते हैं कि वट इज गैस्ट्रो वट इज इंटेस्टाइनल एंड वी ऑल अंडरस्टैंड द वर्ड ट्रैक्ट सो so, ट्रैक हमें पता चल गया कि ट्रैक तो वो ट्यूब है ठीक है लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वर्ड क्या है क्या मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का देखो गैस्ट्रो वर्ड वी यूज फॉर द स्टमक ओके एंड इंटेस्टाइन वी ऑल नो दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटस्टीन द लार्ज इंटस्टीन एंड स्मॉल इंटस्टीन स्टमक को और इंटेस्टीन का पार्ट अगर मिला दें तो उस वर्ड को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल का ही दूसरा नाम है और इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टेमक प्लस लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्री बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड बट इसके अंदर माउथ भी आएगा इसमें एन एस भी आएगा इसमें सिगमोइड भी आएगा जिन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सो so, अगर हम ऑर्गनस लिस्ट आउट करना स्टार्ट करें तो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो जो आई टी टेट के अंदर होते हैं अभी हमने कुछ ऑर्गन्स का नाम लिया भी है तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा हो गया अपना माउथ सेकेंड ऑर्गन क्या है फेरिंग्स थर्ड ऑर्गन क्या है इसोफेगस वट इज नेक्स्ट स्टमक दैन वी हैव स्मॉल इंटस्टीन एंड लार्ज इंटस्टीन सो माउथ फैरिंग्स इज ऑफिगर स्टमक स्मॉल एंड लार्ज इंटस्टीन अब क्या सिर्फ ये चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीट करती हैं नहीं डायजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीट करने के लिए हमें उसके साथ कुछ एसेसरी चीजें भी चाहिए उन एसेसरी चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं दैट आर नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड असोसिएटेड ग्लैंड एंड हाउ मैनीटेड ग्लैंड आर देर वी हैव वन वन ग्लैंड के साथ में ही होता है क्या गोल ब्लैडर सो लीवर के साथ में गोल ब्लैडर है इसको हम अलग से एसोसिएटेड ग्लैंड में काउंट नहीं करेंगे एंड थर्ड वन इज आर पैंक्रियाज ठीक है अब सलाइब्री ग्लैंड लीवर एंड पैंक्रियाज एंड लीवर ऑल्सो इंक्लूड्स वेट गोल ब्लैडर तो लीवर के लिए जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सो अब आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का बच्चों लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा लीवर है ठीक है ओके okay. तो अब हम पढ़ेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट एक स्कीमेटिक डायग्राम तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे ख़त्म हुआ ये हमने पढ़ लिया कहाँ से स्टार्ट हुआ माउथ से स्टार्ट हुआ माउथ का दूसरा नाम क्या है ओरल कैविटी बोल सकते हैं जिसके अंदर अपना माउथ सिचुएटेड है और कहाँ पे एंड होगा एन पे एंड होगा सो वट इज द स्टार्टिंग पॉइंट माउथ ओके वट इज द एंड पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एन दो चीजें हमने मार्क कर दी अब हमने क्या पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करता है माउथ से एनस तक तो अब हम उन सारे ट्यूब्स को पढ़ेंगे जो जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं ठीक है फर्स्ट ट्यूब फर्स्ट ट्यूब अपने को क्या दिख रही है फर्स्ट ट्यूब इज दिस को तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये साफ एक एक ट्यूब एक नल्की जैसा दिख रहा है उसके बाद में आता है अपना एक ऑर्गन जो इस ट्यूब को कनेक्ट करता है अपने इंटेस्टिन के साथ में क्या ये ऑर्गन अपने को दिख रहा है कैसी सेप है इस ऑर्गन की जे सेफ दिस जे सेफ्ड ऑर्गन इज नोन एज स्टमक इसको हम बोलेंगे स्टमक अब दिस इज कनेक्टेड द स्टमक अब इस जे सेफ ऑर्गन के बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑर्गन और है जिसकी सेप कैसी दिख रही है इंग्लिश लेटर सी सो दिस सी सेफ्ड ऑर्गन इज नोन एज ड्यूडिनम तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जे सेफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास में ऑप्शन देंगे स्टमक ड्यूडिनम इसोफेगस पैंक्रियाज लीवर और कोई कोई भी और ऑप्शन तो सी सेफ्ट अगर ऑर्गन क्वेश्चन पूछे दैट इज ड्यूडिनम अगर जे सेफ्ट ऑर्गन क्वेश्चन पूछे दैट इज स्टमक तो हमें सी और जे सेफ को याद रखना है उसके बाद में हम आगे चलेंगे ये कनेक्ट कर रहा है दिस ड्यूडनम इज कनेक्टिंग वट दिस ड्यूडनम इज कनेक्टिंग हेयर वी कैन सी दिस दिस कन्वोलिटेड पार्ट ओके दिस पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटस्टीन अब स्मॉल इंटस्टीन को फर्दर हम डिवाइड करेंगे किस में डिवाइड करेंगे स्मॉल इंटस्टीन का एक पार्ट हो गया ड्यूडनम एक पार्ट हो गया जेजनम सो ड्यूडनम एंड जेजनम इसके बाद में क्या आता है इलियम इलियम इसका थर्ड पार्ट हो गया ड्यूडनम जेजनम इलियम। ओके। इलियम के बाद में क्या आएगा इलियम के बाद में हमारे पास आता है एक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करेगा किसको स्मॉल इंटेस्टीन को लार्ज इंटेस्टीन के साथ में और लार्ज इंटेस्टीन के साथ में कैसे कनेक्ट करेगा इस जंक्शन पे ठीक है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन को लार्ज इंटेस्टीन के साथ में कनेक्ट कर रहा है इस स्मॉल इंटेस्टीन के इस पार्ट को क्या बोल रहे थे हम इलियम बोल रहे हैं और लार्ज इंटेस्टीन के इस पार्ट को क्या बोलेंगे जहां से लार्ज इंटेस्टीन स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं सीकम ठीक है तो इस जंक्शन को जहां पे स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन के साथ में कनेक्ट हुई है इस जंक्शन को क्या बोलेंगे जो मैंने डोट से रिप्रेजेंट किया है इसको बोलेंगे क्या इलियो सीकल जंक्शन ओके, okay. so, अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टीन को लार्ज क्या बोलेंगे यहां से स्टार्ट और ऊपर की तरफ चलेगी अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं असेंडिंग पार्ट सो दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन सो दिस इज असेंडिंग कोलोन ठीक है उसके बाद में ये ट्रांसफर्स गई तो ये इस रीजन को क्या बोलेंगे हम ट्रांसफर्स कोलोन इसके बाद ये ट्रांसफर्स कोलोन जाएगा नीचे की साइड अब कोई चीज अगर नीचे जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं डिसेंड करना तो डिसेंडिंग पार्ट को क्या बोल दिया हमने डिसेंडिंग कोलोन अब देखो जब ये डिसेंड करेगी तो यहां पे ये एक एससेप स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को ठीक है ये एस सेफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम सिग्मोइड कोलोन बायोलॉजी में जहां पे भी एस वर्ड आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे सिग्मोइड वर्ड ओके एस सेफ स्ट्रक्चर के लिए हर जगह सिग्मोइड वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर में भी बाकी किसी भी चैप्टर में उसके बाद में ये कॉन्टिन्यू कर जाता है सिग्मोइड कोलोन किसके साथ रेक्टम के साथ ठीक है तो रेक्टम अगर चार पार्ट में डिवाइड करा तो कैसे करेंगे असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कॉलोन डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड कॉलोन चार पार्ट हो गए हमारे कॉलोन के यानी कि लार्ज इंटस्टीन के और सिग्मोइड कॉलोन किस में कंटिन्यू करेगा रेक्टम में रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम एनस बोलेंगे ठीक है अब हमने देखा कि हमने मोस्टली ट्यूबुलर पार्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अनमेंशन रह गई हैं इस, इस डायग्राम में तो वो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो एसेसरी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक है तो वन थिंग इज एसेसरी पार्ट एंड अनदर थिंग इज सम कैविटीज जैसे अपनी ओरल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या आएगा माउथ एंड टीथ आएगा एंड इसके अलावा ओरल कैविटी में और क्या क्या होगा ओरल कैविटी में होंगी अपने पास में एसेसरी ग्लैंड कौन से वाली एसेसरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड आती हैं फर्स्ट थिंग इज पैरोटिड ग्लैंड ओके अगर हमारे पास में आएगा तो ये जो आगे रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या मतलब हुआ लिंग्वल का वर्ड होता है हमारी टंग के लिए तो जो टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे सब लिंग्वल ग्लैंड और जो ग्लैंड हमारी मैगजरी बोन के पास में प्रेजेंट होगी या उसके नीचे प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम सब मैगजरी ग्लैंड तो तीन टाइप की सेलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ ली पैरोटेड ग्लैंड सब मैगजेलरी ग्लैंड एंड सब लिंग्वल ग्लैंड ओके इसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है हमारा लीवर और लीवर के साथ मैंने क्या बताया था आपको कि लीवर के साथ क्या एसोसिएटेड है हमेशा गोल ब्लैडर तो लीवर के साथ में एसोसिएटेड हो गया अपना गोल ब्लैडर सो एंड गोल्ड ब्लैडर अब लीवर एंड गोल्ड ब्लैडर हमें दिख रहा है कि ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है ठीक है अभी हम लीवर और गोल्ड ब्लैडर को भी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसे ये ड्यूडनम में ओपन होता है ठीक है तो हमने कौन कौन सी ग्लैंड कवर कर ली लीवर को गोल्ड ब्लैडर को पैरोटेड ग्लैंड सब मैक् ग्लैंड सब ग्लैंड अब कौन सी ग्लैंड बचती है वन मोर ग्लैंड जिसको हमने पढ़ा था वो क्या है पैंक्रियाज पैंक्रियाज इज द थर्ड ग्लैंड सो सेलाइवरी ग्लैंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड एंड द लीवर तो लीवर क्या है अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड उसके बाद में एक ओ स्ट्रक्चर है जो अभी भी ओरल कैविटी के अंदर अनमेंशन है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फैरिंग्स दिस इज द फैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे अपना विंड पाइप एंड फूड पाइप अभी हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि विंड पाइप क्या है फूड पाइप क्या है फूड पाइप अपनी इसोफेगस है दिस इसोफेगस इज फूड पाइप ओके सो फैरिंग्स इज ए कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बोथ फूड एंड एयर पैसेज ठीक है सो so, यहां से फूड एंड एयर ये दोनों चीजें पास करेंगी फेरिंग से तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट पेपर कि वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है बॉडी में जहां से फूड भी जा सकती है और एयर भी जा सकता है ठीक है ना हमें सबको पता है कि लंग्स में एयर जाती है लेकिन फूड नहीं जाता इस ऑफेगस में फूड जाता है एयर नहीं जाती लेकिन फूड एंड एयर को एक साथ पैसेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर है बॉडी में जिसका नाम क्या है फेरिंग्स है ओके okay. अब फेरिंग्स के साथ एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें इलियोसिकल जंक्शन के पास में उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं वर्मीफोम अपेंडिक्स एंड वर्मीफॉर्म अपने अपेंडिसाइटिस वर्ड सुना होगा ठीक है उस अपेंडिसाइटिस को इस अपेंडिक्स से ही डिफाइन किया जाता है इस अपेंडिक्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन आ गई कोई सूजन आ गई तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं अब वर्मीफोम अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है इसलिए अगर इसमें कोई चीज़ कोई दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं तो अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है लार्ज इंटरस्टीन से क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है और ये एक डिजीज क्रिएट कर रही है तो उस फंक्शन को उस ऑर्गन को हम रिमूव कर देंगे अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर और लेबल करना चाहें इस डायग्राम में तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा दिस दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वट विंड पाइप इस विंड पाइप या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया ट्रैकया इस ट्रैकिया या विंड पाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग पढ़ेंगे ओके तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्वेश्चन इस पे लेबल करने के लिए आते हैं क्वेश्चन इस लेबल्ड पार्ट में से क्या क्या फंक्शन है उन उनपे आते हैं क्वेश्चन इनके जंक्शन पे आते हैं कि इलियोसिकल जंक्शन कौन सा है किस पार्ट को इलियोसिकल जंक्शन बोलेंगे उस चीज को लेबल करने के लिए आते हैं सो इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने एक आउटलाइन जो है वो पढ़ ली है अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम डिटेल्स पढ़ेंगे देखो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है फूड के डाइजेशन के लिए हमारे पास छह प्रोसेसिज हैं ओके फूड डाइजेशन की कितनी प्रोसेस हैं छह प्रोसेसिज हैं जिस प्रोसेस में क्या है एक तो फूड को हमने इनटेक किया ओके फूड इनटेक फूड इनटेक की फर्स्ट प्रोसेस है अगर फूड हमारा इनटेक होगा तो उस इनटेक को क्या बोला जाएगा इंजेशन ओके okay? क्या बोलेंगे उस इनटेक को इंजेशन सो टेकिंग फूड इन टू द माउथ दिस इज नोन एज इन जैशन इसमें हमने फूड को माउथ के अंदर लिया है अब फूड को माउथ के अंदर लेने के बाद में टीथ एक्ट करते हैं टीथ उसको च्यूव करेंगे च्यूव करने के बाद उसको तोड़ेंगे डाइजेशन देन मिक्सिंग मूवमेंट दिस मिक्सिंग मूवमेंट विच कॉजेज द मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रो द कैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ओके दिस इज नोन एज प्रोपल्सन क्योंकि इसके थ्रू फूड क्या होगा प्रोपागेट होगा एक सिस्टम ऑफ डाइजेशन से दूसरे पार्ट ऑफ डाइजेशन तक ओके सो फूड विल बी मिक्सड एंड देर विल बी मूवमेंट्स ऑफ फूड विच विल कोज मिक्सिंग ऑफ फूड दिस इज इन नोन एज प्रोपल्शन सो इंजेसन केमिकल डाइजेशन एंड प्रोपर्शन देन वी हैव मैकेनिकल एंड कैमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड ओके So this is known as mechanical and physical digestion. So this is known as physical and mechanical digestion. So mechanical and physical digestion. After that, food will be assimilated. Assimilate karna. जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया उसको अब ब्लड में पहुँचाना है ताकि ब्लड उसको पूरी बॉडी में पहुँचाए और जो ब्लड में नहीं जा रहा उसको लिम्फ में पहुँचाना है ताकि वो पूरी बॉडी में लिम्फ पहुँचाए उसको सो so, फूड को एसिमुलेट करना लिम्फ में एंड ब्लड में इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ओके दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड देन कुछ वेस्ट मटेरियल कोई भी प्रोसेस जब होती है तो उसमें एक वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है उस वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है अदरवाइज वेस्ट मटेरियल अगर अक्यूमिनेट हो गया बॉडी में तो इट विल लीड टू सम डिजीज ओके सो वी विल नीड टू एलिमिनेट द फीसिसीसीज इज द वेस्ट मटीरियल आउट ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फीसिस को क्या बोलेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफिकेशन सो छह प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं इंजेशन केमिकल डाइजेशन प्रोपल्सन फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन ओके ये छह प्रोसेसेस हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगी अब अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जिससे हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कंप्लीट होगा ओके हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक फूड पाइप होती है एक एलिमेंट्री कनाल होती है उस एलिमेंट्री कनाल का क्या फंक्शन है उस एलिमेंट्री कनाल की क्या क्या लेयर्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल किस चीज से बनी हुई है उन चीजों की डिटेल अब हम यहाँ पढ़ेंगे ओके सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है एलिमेंट्री कनाल एक स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड डाइजेस्ट करने के लिए किस चीज को फूड को फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी फूड को डाइजेस्ट करेगी ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी हमने क्या पढ़ा था इसोफेगस इसोफेगस का क्या काम है माउथ से लेके ड्यूडिनम तक पहुंचाना उससे पहले स्टमक तक पहुंचाना सो so, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर दिया अब डाइजेशन का फंक्शन और देखेंगे हम ठीक है देन उसको एब्जॉर्ब भी करवाना किसको एब्जॉर्ब करवाना जो फूड हमने डाइजेस्ट कर दिया उसको अनडाइजेस्टेड फूड को नहीं जो फूड हमने डाइजेस्ट कर दिया उसको सो एलिमेंट्री कैनाल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो माउथ से एनस तक रन करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है उसको डाइजेस्ट कराता है डाइजेस्ट करने के बाद भी उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको एब्जॉर्ब भी कराता है एंड वेस्ट मटेरियल जो क्रिएट होगा उस वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने का फंक्शन भी किसका है अपनी एलिमेंट्री कैनाल का ही है अब अगर ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन का फूड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करके एक्सट्री मटीरियल को वेस्ट को मटीरियल को बाहर निकालने का तो उस प्रोसेस उस स्ट्रक्चर की हमें डिटेल पता होनी चाहिए है ना अगर इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो कि वो किस चीज से बना हुआ है तो अब हम क्या कर रहे हैं ये मान लो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ओके इस एलिमेंट्री कैनाल को हमने यहां से कट किया इस डायरेक्शन में कट किया तो इस डायरेक्शन में अगर हम कट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर्स सेक्शन ओके टी एस सेक्शन और डाइजेस्टिव कैनाल यानी कि गट सो so, अब हम अपनी डाइजेस्टिव कैनाल एलिमेंट्री कैनाल गट कैनाल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सारे के सारे वर्ड एक ही वर्ड के लिए हैं एलिमेंट्री कैनाल के लिए तो इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे जब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो कैसा दिखेगा ये यह? तो यहाँ से हमने इसको कट किया एक बहुत थिन लेयर निकाली और उस थिन लेयर को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा उस पर डाई डाली और उसको स्टडी करने की कोशिश करी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं अब क्या दिखा हमें उसके अंदर कि सबसे बाहर एक लेयर प्रेजेंट है आउटर मोस्ट लेयर इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं हम सिरोजा ओके सिरोजा क्या है आउटर मोस्ट लेयर है Then, जब उसके थोड़ा अंदर गए उसके थोड़ा अंदर गए तो हमने क्या देखा कि मसल की एक लेर प्रेजेंट है अब देखो ये मसल की लेयर जो है हम थोड़ा जूम करेंगे इसको ताकि हम एक बेटर लुक ले सकें ओके okay? ये जो मसल लेयर हमें दिख रही है सो दिस मसल लेयर इट इज कंप्लीट फ्रॉम हेयर टू हेयर ओके ये पूरा पार्ट क्या है मसल लेयर है दिस अप टू दिस सो इस मसल लेयर में हमें दिखेंगे कि दो टाइप की सेल्स हमें दिख रही हैं एक सेल जो सर्कल में है और एक सेल जो हमने डॉट से दिखा रखी है ओके सो डोटेड लाइन जो फॉर्म करते हैं उस फॉर्म में दिखा रखी है सो so, अगर कोई स्ट्रक्चर है जो पैरेलली रन कर रहा है Okay, suppose these are some lines which are running parallelly, and we cut it from here and we look from top. So, how it will look? It will look in this fashion. Agreed? So, they will look like this that some dot has been arranged or some circles has been arranged. So, this circle, okay, this circle gives the appearance of what? This circle gives the appearance of some dotted structures and this dotted structure which is seen here this dotted structure is known as circular layer so this inner part is what circular part this is known as circular muscularis layer so inner circular layer and the outer layer outer layer is which one this one these structures here are of outer layer and we can see that

कि जहां पे सर्कल दिख रहे हैं वो सर्कुलर लेयर है नहीं वो सर्कल हमें दिख रहे हैं क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन में अरेंज थी तो जब हमने उसको ट्रांसफर्स सेक्शन में कट किया तो हमें सर्कल दिखे और जब हम पैरल अरेंज को ट्रांसफर सेक्शन में कट करेंगे तो हमें डॉट दिखेंगी सो इनर पार्ट इज सर्कुलर पार्ट एंड आउटर पार्ट इज लॉन्गिट्यूडनल पार्ट सो मस्कुलर लेयर के दो पार्ट हो गए हैं इनर सर्कुलर एंड आउटर लोंगिट्यूडनल पार्ट उसके बाद में हम फर्दर डीप जाते हैं अगर हम और डीप जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा हमें एक लेयर और दिखेगी जिसका क्या नाम है सब म्यूकोजा अब सब म्यूकोजा को डिफाइन करने के लिए हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंड इनर मोस्ट लेयर क्या है हमारे पास म्यूकोजा ओके okay? इनर मोस्ट लेयर क्या है म्यूकोजा तो ये जो म्यूकोजा है ये नहीं सबसे अंदर वाली लेयर है और देखो म्यूकोजा के ऊपर इस टाइप से हमें स्ट्राइस भी दिख रहे हैं तो ये स किसके लिए हैं ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए अब कोई लेयर अगर किसी दूसरे चीज के नीचे प्रेजेंट होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं सब ओके okay? तो म्यूकोजा के नीचे अगर कोई लेयर प्रेजेंट होगी तो उस लेयर को हम क्या बोलेंगे सब म्यूकोजा बोलेंगे एग्रीड तो दिस लेयर इज सब म्यूकोजा लेयर सो so, अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएं तो फर्स्ट लेयर इज सिरोजा सेकेंड लेयर इज मस्कोलेरिस थर्ड लेयर इज सब म्यूकोजा एंड फोर्थ लेयर द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा ओके अब हमने डायग्राम समझ लिया है अब हम इसको फिर से नॉर्मल स्ट्रक्चर में ले जाके देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर सिरोजा इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा ये दो तो क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो क्या है आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर अब हम पढ़ते हैं कि हर लेयर का क्या क्या फंक्शन है देखो हमने क्या पढ़ा कि इनर मोस्ट लेयर हमारी क्या है म्यूकोजा तो म्यूकोजा इज द इनर लाइनिंग ओके अब इस इनर लाइनिंग का क्या फंक्शन है म्यूकोजा इनर तो है लेकिन क्या करेगी ये क्यों इसको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए क्योंकि जो एब्जोर्पन का काम है फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में जब एब्जॉर्ब कराना है तो उस एब्जोर्पन के लिए हमें चाहिए कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट का सर्फेस एरिया प्रेजेंट हो उस सर्फेस एरिया को क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा जितने जितना फूड आएगा हम सबका सब एब्जॉर्ब सब कर पाएंगे अगर हमारे पास सरफेस एरिया का एबजॉर्प्शन ज्यादा है तो उसके बाद साथ ही में इसमें क्या होती है मेजर सिक्रिटरी लेयर क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है अगर ये कोई सिक्रीशन करे प्रोवाइड करेगी हमें तो वो सिक्रीशन डायरेक्टली इस ल्यूमन में ल्यूमन क्या होता है ये जो खाली पोर्शन है अंदर का इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे ल्यूमन बोलेंगे ठीक है सो so, इस के अंदर क्या चली जाएगी और सिक्रिशन चले जाएंगे सो so, म्यूकोजा का क्या फंक्शन हो गया म्यूकोजा के हमारे पास दो फंक्शन हो गए फंक्शन एंड फंक्शन फंक्शन में क्या करेगी डाइजेस्टिव पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगी एंड सिक्रेटरी फंक्शन में क्या करेगी मेजर सिक्रेटरी एंड सलाइवरी सिला जो है वो प्रोवाइड कराएगी सेकेंड थिंग इज सब म्यूकोजा अब सब म्यूकोजा का क्या फंक्शन है सब म्यूकोजा एज ए लेयर बिलो द म्यूगोजा और यह किसकी बनी हुई है सब म्यूगोजा हमारी बनी हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू और लूज को अगर हम डिफाइन करें तो डेंस इेगुलर कनेक्टिव ओके यहां पर वर्ड जो आएगा वो आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू इट इज नॉट डेंस इट इज बाय मिस्टेक इट इज रिटर्न डेंस दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यूके लूज इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोजा जो है लूज टिश्यूज की बनी होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रोपर मस्कुलर लेयर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे मस्कुलरिस प्रोप्रिया इट इज एन इम्पोर्टेंट इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन वट इन मैकेनिकल प्रोसेसिंग एंड द मूवमेंट ऑफ मटीरियल ओके

कम टिशू है जो सिरोजा के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सब के अंदर कंप्लीटली कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है और किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है लूज इगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ओके okay? ठीक है तो सिरोजा हमारी आउटर मोस्ट लेयर होगी म्यूकोजा इनर मोस्ट हो गई उसके नीचे सब्यूगोजा देन उन दोनों के बाद आती है मस्कुलरिस प्रोपरिया एंड आउटर मोस्ट इज सिरोजा तो ये चार लेयर हैं किसकी एलिमेंट्री कैनाल की चार लेयर में से एक लेयर के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यानी कि डिटेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो उस डिटेल को हम स्टार्ट करेंगे किससे माउथ से ओके सो इन माउथ वॉट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन माउथ सो फर्स्ट थिंग इज टीथ अगर किसी को हम बोलें कि अपना माउथ ओपन करो तो माउथ में सबसे पहली चीज़ क्या दिखेगी सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखेगी वो क्या है टीथ हैं ठीक है सो डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड द टाइप्स टाइप्स क्यों क्योंकि हमारे टीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं अभी हम उन टाइप को स्टडी करेंगे लेकिन अगर हमें जर्नल आइडिया लेना हो तो जब हम माउथ ओपन करते हैं तो क्या हमें सारे टीथ एक जैसे दिखते हैं नहीं कुछ टीथ ब्रोड हैं कुछ टीथ वाइड हैं कुछ टीथ शार्प हैं कुछ टीथ लाइक ए शेवल कुछ टीथ एज ए कटिंग पार्ट दिखते हैं हमें सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ हैं सो देर डेवलपमेंट एंड देर टाइप देर नंबर एंड देर अरेंजमेंट, ओके कितने नंबर में हैं अपने टीथ किस टाइप के हैं कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ और कैसे वो अरेंज हैं हमारे माउथ में इन सब को एक टर्म से डिफाइन करते हैं डेट इज़ नोन एज डेंटिशन ओके सो वॉट इज डेंटिशन डेंटिशन इज द डेवलपमेंट टाइप नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द माउथ दिस इज नोन एज डेंटिशन तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डेंटिशन क्या है तो हमें उसमें टीथ का नंबर भी बताना है कौन से टाइप का टीथ है वो भी बताना है वो टीथ कैसे डेवलप हुआ है किस चीज़ में एम्बेडेड है वो भी बताना है और सारे टीथ आपस में कैसे अरेंज हैं वो भी बताना है ओके okay? तो यानी कि डेंटिशन के अंदर ये चारों चीज़ें हम कवर करेंगे डेवलपमेंट टाइप नंबर एंड अरेंजमेंट उसके बाद में अगर हम आए कि ठीक है ये चार चीज बतानी है लेकिन इसमें हर चीज को हम कैसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज डाई फायोडोट तो डाई फायोडोंट क्या होते हैं देखो अगर हम अपनी लाइफ टाइम में देखें तो जब हम छोटे थे तब क्या बोलते थे कि ये तो क्या है परमानेंट टीथ नहीं है तुम्हारे टेम्परेरी टीथ हैं टूट जाएंगे फिर नए टीथ आएंगे बचपन में हमें पता भी था हमारे टीथ कब टूटे सो so, उन टीथ को हम क्या वर्ड देते हैं टीथ आर नोन एज टीथ डेडियस टीथ टीथ के लिए हमारे पास एक नाम और है जिसको क्या बोलते हैं मिल्क टीथ हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से समझ आएगा कि मिल्क टीथ का मतलब क्या होता है दूध के दांत जो झड़ जाएंगे जो गिर जाएंगे ऐसे ही डेसिडस टीथ जो झड़ जाएंगे और एक वर्ड और अगर हम बोलें तो इनको क्या बोलेंगे हम टेम्परेरी टीथ ओके टेम्परेरी टीथ सो मिल्क टीथ टेम्परेरी टीथ और डेसिडस टीथ ये तीनों एक ही वर्ड हैं एक ही चीज़ के लिए डिफाइन किए गए हैं इनको क्या बोलते हैं हम डेसिडस टेम्परेट और मिल्क टीथ अब एक तो हो गए जो बचपन वाले टीथ थे अब हो गए जो अडल्ट टीथ होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम पे तो उनको हम क्या बोलेंगे डोज टीथ आर नोन एज परमानेंट टीथ ओके ये टीथ क्या है परमानेंट टीथ हैं अब परमानेंट ठीथ से क्या मतलब है जो दांत एक बार आ गया अब वो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा दांत नहीं आएगा अगर किसी रीजन से उस टीथ में कोई डिजीज हो जाती है या वो टीथ टूट जाता है तो उसके बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा टीथ नहीं आएगा वहां पे ओके सो so, हमारे पास में कितने टाइप के टीथ हो गए दो टाइप के टीथ हो गए एक परमानेंट टीथ एंड एक डेसिडस टीथ तो दो के लिए बायो में क्या वर्ड यूज करते हैं हम दो के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं डाई ओके एंड डोंट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं डेंटिशन के लिए सो डाईफायोडोंट यानी कि दो टाइप की फिजियोलॉजी के टीथ हमारे पास में हैं तो इसलिए क्या वर्ड बोल रहे हैं हम डाईफायोडोंट यानी कि दो टाइप के टीथ हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास में अवेलेबल होंगे हम दो दो टीथ के टाइप को पढ़ेंगे डाईफायोडोंट तो एक टर्म क्लियर होगी टाइप की दैट इज डाईफायोडोंट उसके बाद क्या आता है थीकोडोंट हमारे जो मसूडे हैं ठीक है उनके अंदर क्या है सॉकेट्स बने हुए हैं और उन सॉकेट के अंदर टीथ एम्बेडेड है उन सॉकेट के अंदर टीथ जो है वो घुसा हुआ है वहीं से वो निकलता है और वहीं से वो टूट के रिप्लेस करता है सो so, टीथ इन सॉकेट ऑफ जो बोन एंड दिस अटैचमेंट इज थीकोडोंट अगर हमारे पास एक लाइफ में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे तो चलो दो वर्ड्स तो क्लियर गई उसके बाद आते हैं कि नंबर हाउ मैनी नंबर्स तो नंबर में हमें क्या पढ़ना है कि हमारे टीथ कितने टाइप के थे कितने टाइप के टीथ पड़े हैं हमने दो टाइप के परमानेंट, परमानेंट तो जो टीथ है हमारे उसमें टोटल नंबर थर्टी टू है राइट लेफ्ट अपर लोअर जो इनकी बात हम अभी नहीं कर रहे उसमें टोटल जो टीथ है वो थर्टी टू है अब इस थर्टी टू में भी कैसे कैसे डिवाइडेड है कुछ हमारे पास में इन हैं, है इनसाजर्स को हम बोलेंगे आई कुछ हमारे पास में कैनाइंस हैं कैनाइन को बोलेंगे हम सी कुछ हमारे पास में प्री मोलर्स हैं दैट इज पी एम और कुछ है हमारे पास मोलर्स दैट इज एम सो इंसाइजर टीथ कैनाइन टीथ प्री मोलर टीथ एंड मोलर टीथ चार टाइप के परमानेंट टीथ हो गए हमारे पास और उन चार टाइप को अगर हम टोटल करें तो इन चार टाइप के टोटल को मिला के हमारे पास थर्टी टू टीथ हैं ओके okay? अब ये टीथ अरेंज कैसे हैं एक जो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि टाइप नंबर और देर अरेंजमेंट डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया कि सॉकेट से निकलता है हमने टाइप पढ़ लिया परमानेंट इंडेड है हमने नंबर पढ़ लिया कि थर्टी टू है उसमें भी हमने किस किस का क्या नंबर है अब वो पढ़ना है यानी कि उनका अरेंजमेंट कैसे है वो उस स्ट्रक्चर को कैसे अरेंज करके रखे हुए हैं तो अरेंजमेंट के लिए हम पढ़ेंगे क्या हमें क्या पता होना चाहिए पहले कि हमारे पास में चार टाइप के टीथ है इंसाइजर्स कैनाइंस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स नाउ अरेंजमेंट ऑफ टीथ दोनों जो में होगा अब देखो ये मानो हमारे पास में अपर जो है ये हमारे पास लोअर जो है ठीक है स्कीमेटिक डायग्राम है हम एक समझने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहे हैं या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमारा अपर जो और ये हमारा लोअर जो ओके अब इन इन में यहाँ पे ऐसे टीथ टीथ प्रेजेंट होंगे अब इसमें से कुछ टीथ इंसाइजर्स होंगे कुछ टीथ कनाइंस होंगे कुछ प्रीमोलर्स होंगे कुछ मोलर्स होंगे अब हमें ये बताना है कि कितने मोलर कितने प्रीमोलर एंड कितने कनाइंस कितने इंसाइजर्स ये हमारे पास प्रेजेंट है तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला ओके सो डेंटल फॉर्मूला तो ये जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ये एक्चुअली क्या है हमारा ये है हमारा डेंटल फॉर्मूला फॉर्मूला से हम डिफाइन करते हैं कि कितने टीथ हैं और वो कैसे हैं ओके okay. अब टीथ का अरेंजमेंट बताएंगे सो so, यहां पर हमने क्या लिखा है हम टीथ हम डेंटल फॉर्मूला में जब टीथ का अरेंजमेंट बताते हैं तो हमें सबसे पहले बताना होता है कि हम अपर जो की बात कर रहे हैं और लोअर जो की बात कर रहे हैं हम इसमें अपर एंड लोअर जो को देखो ये अपर जो हो गया ये लोअर जो हो गया अपर का भी दो पार्ट लोअर के भी दो पार्ट ओके लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट इट सो लेफ्ट एंड राइट ऑफ अपर एंड लेफ्ट एंड राइट ऑफ लोअर तो यानी कि हमने इसको चार सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया अब इसमें से हम किसी एक सेगमेंट को लेंगे या तो हम दोनों लेफ्ट को या दोनों राइट को डिफाइन करेंगे और इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे डेंटल फॉर्मुला यूज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे टू इन वन केनाइन ओके देर्स थ्री मोलर्स ये तो हो गए अपर जो के एक सेगमेंट के आइर राइट और लेफ्ट देख सिमिलरली टू के वन इनसाइजर्स टू प्रीमोलर्स एंड थ्री मोलर्स सो टू वन टू थ्री अब देखो इसको टोटल करते हैं एक सेगमेंट का टोटल कितना हुआ टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस थ्री एट सो एट ऑन अपर साइड एट ऑन लोअर साइड ओके एंड एट एंड एट इज सिक्सटीन एंड दिस सिक्सटीन विल सिमिलरली ऑन अदर सेगमेंट ऑल्सो वी हैव दिस सिक्सटीन ऑन अदर सेगमेंट सो टोटल विल बी सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन विल बी थर्टी टू सो क्या पढ़ा था हमने थर्टी टू परमानेंट टीथ तो थर्टी टू परमानेंट टीथ हमें कैसे डिफाइन करनी है एक सेगमेंट के अंदर दो आ, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री देन लोअर सेगमेंट में भी टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री टोटल एट ऑन अपर सेगमेंट एट ऑन लोअर सेगमेंट और हमारे पास ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं ऐसे कितने सेगमेंट हैं हमारे पास चार सेगमेंट तो एट इन फोर इज थर्टी टू सो ये हो गया हमारे पास में टाइप नंबर अरेंजमेंट और उनका डेवलपमेंट अब देखो इनसाइजर्स देन देन इन देन मोलर्स तो कितने इनसाइजर हुए अपने पास एक सेगमेंट के टू इनसाइजर्स वन कैनाइन टू प्रीमोलर्स एंड देन थ्री मोलर्स अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे हमसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इस

एक सेगमेंट की एक साइड ऐसे ही दूसरी साइड में भी टू के नाइन टू टू के साइज टू प्री मोल एंड थ्री मोलर्स हो जाएंगे ओके सो टोटल हमारे पास थर्टी टू टी हो जाएंगे तो इसमें से डिफाइन करना आता है हमें क्या देगा इस टाइप से लेबल करके स्ट्रक्चर देगा जैसे इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लेबल्ड है उस लेबलिंग में हमें बोलेगा कि देयर इज ए डिजीज देयर इज ए कैविटी इन द फर्स्ट मोलर देन आइडेंटिफाई आउट ऑफ दिस विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट मोलर टीथ और इसमें से बाकी सारे मार्किंग्स हटा देंगे तो फर्स्ट मोलर कौन सा है फर्स्ट मोलर इज नंबर ओके। तो सिक्स नंबर जो टीथ है हमारा वो हमारा फर्स्ट मोलर है या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है देर देर इज ए चाइल्ड इन होम द इन टीथ दे हैव फॉलन

अब हमने डेंटल फॉर्मूला को एक सिंपल फॉर्म में समझ लिया है इसके बाद में डेंटल फार्मूला में हमें दोबारा से कभी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ओके अब माउथ के बाद हम स्टार्ट करते हैं कौन सा पार्ट टीथ का एक्सप्लेनेटरी पार्ट सो तो टीथ का एक्सप्लेनेटरी पार्ट में क्या आएगा कि अभी तो हमने पढ़ा उसका टाइप नंबर और ये सब लेकिन टीथ का क्या फंक्शन है ठीक है टीथ अपना काम करता कैसे है वो किस चीज का बना हुआ है तो टीथ के क्या क्या पार्ट है तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ टीथ सो जो अपना एक टिपिकल टीथ है कोई भी अगर हम टीथ लें चाहे वो मोलर हो प्री मोलर हो इनसाइजर हो केनाइन हो कोई सा भी हो उसके अंदर दो पार्ट होंगे एक पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे क्राउन क्राउन ऑफ़ टीथ एंड पार्ट विल बी नोन एज रूट ऑफ टीथ तो इस फिगर में हमें साफ दिख रहा है कि ओनली दिस मच पार्ट इज द क्राउन ऑफ टीथ एंड रिमेनिंग ओल पार्ट इज वर्ट दिस पार्ट इज द रूट ऑफ टीथ ओके तो जो हमारा रूट है और क्राउन है अब क्राउन में क्या क्या चीजें आती हैं और रूट में क्या क्या चीजें आती हैं तो पहले तो समझते हैं क्राउन क्या है क्राउन इज द विजिबल पोर्सन विजिबल पोर्सन अबो द लेवल ऑफ गम्स जो हमारे मसूडे हैं मसूड़ों से ऊपर जो टीथ का पार्ट हमें दिख रहा है उस पार्ट को क्या बोलेंगे क्राउन क्राउन क्या होता है ताज ताज किस चीज के लिए होता है शो के लिए ठीक है तो जो पार्ट हमें दिखे दैट इज नोन एज क्राउन अबो द लेवल ऑफ गम्स उसको बोलते हैं क्राउन क्राउन के नीचे का जितना भी पार्ट होगा उसमें क्या आ जाएगा अपना रूट उस कंप्लीटली एम्बेडेड पार्ट को हम बोलेंगे रूट और किस में एम्बेडेड रहेगा रूट गम्स में अब रूट एंड क्राउन ये दो तो चीजें हमने पढ़ ली रूट एंड क्राउन के बाद में आता है कि नेक क्या है तो वट इज द नेक नेक इज द कंस्ट्रक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड द रूट देखो ये पार्ट यहाँ पे आके ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे और फिर से दोबारा से एक्सटेंड हो गया तो दिस हैव डेंटिन क्या है डेंटिन वो मटेरियल है जिससे टूथ बना हुआ है डेंटिन किस चीज का बना होता है खुद से डेंटिन कंसिस्ट ऑफ कैलसीफाइड कनेक्टिव टिश्यू ओके सो so, हमारा टूथ भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है बट इसके अंदर कैल्सीफाइड है और कैल्सीफाइड का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है सी ए प्लस प्लस कैल्शियम आइंस आर प्रेजेंट इन द टूथ जो हमारी बोन्स में भी होते हैं यानी कि टीथ जो है बेसिकली बोन्स का ही पार्ट है जो कि कैल्सीफाई हो गया है दैट गिव्स टूथ इट्स बेसिक सेप एंड रिजिडिटी और इसी कैल्शियम की वजह से क्या आती है टूथ के अंदर रिजिडिटी आती है एंड इट इज कवर्ड बाय ए लेयर विच इज़ नोन एज एनामिल और इनामिल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है वो क्या है इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इनामिल इनामिल क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का ऐसे ही लार्जेस्ट क्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है लीवर है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है इनामिल है तो इस टाइप के क्वेश्चन हार्डेस्ट तो अगर ह्यूमन बॉडी में कोई चीज यूनिक है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या हुआ अपना इनामिल तो ये कंप्लीट करता है हमारे टूथ के पार्ट को इसके अलावा टूथ में क्या है टूथ एम्बेडेड किस में है गम्स में एम्बेडेड है तो ये हमारे गम्स हो गए जो साइड में दिखा रखे हैं डेंटिन क्या है जिससे टूथ बना हुआ है देन इस बोन के अंदर टूथ ग्रो कर रहा है इस बोन के अराउंड में गम है और उसी गम में टूथ एम्बेडेड है Now, ये इनर कैविटी टूथ की दिस इनर कैविटी इज नोन एज सो पल्प क्या है इनर मोस्ट कैविटी ऑफ़ टूथ, इस पल्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है नर्व एंड ब्लड वेसल्स नर्व एंड ब्लड वेसल तो अगर हमारे टीथ के अंदर कोई कैविटी बनती है तो वो कैविटी क्या करेगी पहले इनामिल हटाएगी फिर इनामिल हट गया इनामिल हटने के बाद डेंटिन हट गया डेंटिन हटने के बाद में वो पल्प में गई और पल्प में जाने के बाद में क्या प्रेजेंट है वहां पे पल्प में ब्लड वेसल्स तो इसलिए वहां पे हमें सेंसिटिविटी फील होती है जब हम ठंडा या गर्म खाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली उस नर्व को हिट करता है और नर्व का हमें फंक्शन पता ही है नर्व सिग्नल लेके जाती है तो इस सिग्नल की वजह से क्या होगा उस सिग्नल की वजह से हमें क्या दिखेगा कि कुछ सेंसिटिव सा फील हो रहा है अगर गर्म खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा गर्म फील होगा ठंडा खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा फील होगा ओके तो माउस में हमने पढ़ लिया टीथ टीथ के बाद दूसरी चीज जो माउथ में हमें दिखती है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर काफी विजिबल स्ट्रक्चर अगर हम माउथ देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा हमें टंग सो so, टंग क्या है टंग फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी जो हमारी ओरल कैविटी है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको टंग बनाता है ठीक है टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है इस फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के साथ में एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेनुलम ओके सो स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे उसको फ्रेनुलम ये फ्रेनुलम क्या है इट इज ए जंक्शन बिटवीन द टंग ओके एंड द ओरल कैविटी फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी को फ्रेंडुलम को और टंग को हम कनेक्ट करेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे टंग फ्लोर के साथ में अटैच्ड है अपने फ्रेनुलम के साथ फ्रेनुलम एक स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी को टंग के साथ अटैच करता है नाउ टंग कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल्स कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी मसल से स्केलेटल मसल से और स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं वो मसल जो वॉलेंट्री हों जिन फसल से हम फंक्शन कर पाए जिन मसल्स के थ्रू हम वॉलेंट्री कोई काम करवा सकते हैं तो हम टंग को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं कब हमें लेफ्ट मूव करानी कब राइट right मूव करानी है ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी ले जा सकते हैं टंग को इसलिए टंग किसके साथ अटैच मिलेगी स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच मिलेगी एंड इट विल बी कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इसके ऊपर क्या होगी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होगी और व्यू म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगी जिसको बोलते हैं म्यूकस और स्केलेटल मसल्स के अरेंजमेंट की वजह से हम टंग को पाएंगे और म्यूकस की की वजह से उसके ऊपर होगा उस mucous का क्या फंक्शन होगा टंग को हाइड्रेट करके रखना गाइडिंग द फूड विद इन द माउथ ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड स्वेलोइंग जब हम च्यू करते हैं या स्वेलो करते हैं तो टंग क्या करती है उसको किस साइड ले जाके च्यू कराना है ठीक है कितना पार्ट रह गया जो अनच्यूड है कितना पार्ट रह गया जो च्यू कर लिया उनको सेपरेट करना और उसके बाद जो पार्ट जब कम्प्लीटली च्यू हो जाएगा फूड तो उसको स्वेलो करवाना तो इन सब का गाइडेंस इन सबको गाइड करना यानी कि फूड गाइड का, का काम कौन करता है टंग करती है सो ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फूड गाइड तो फूड गाइड क्या है अपनी टंग है देन वन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन टंग इज द पैपिले टंग के ऊपर में पैपिले प्रेजेंट होते हैं और उन पैपिले के अंदर कुछ कुछ पैपिले में क्या प्रेजेंट होगा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स तो ये तो इंपोर्टेंट फंक्शन है टंग का कोई भी चीज हम खाते हैं हमें टेस्टी लगती है अब उसमें वो वो स्वीट है 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 शार साल्टी कैसी है? सब कैसे पता चलता है? हमें टंग से ही पता चलता है ठीक है ना so, टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं देखो टंग के लिए जब हम वर्ड यूज करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे लिंगुला या फिर लिंग ओके सो लिंगल ग्रिंग क्या क्रिएट करती है म्यूकस सिक्रिएट करती हैं एंड वोटरी फ्लूड क्रिएट करती हैं सो म्यूकस एंड वोटरी आर फ्लुइडेड बाय द लिंगुअल लिंगुअल ग्लैंड्स दैट द एंजाइम लाइपेज वो क्या एंजाइम कैरी करता है अपने साथ में लिंगुअल लाइपेज अब देखो लिंगुअल वर्ड तो हमें समझ आ गया कि टंग से रिलेटेड है यानी कि टंग की ग्लैंड्स होंगी जो सिक्रीट करेंगी लिंगुअल लाइपेज को अब लाइपेज का क्या मतलब है लाइपेज का मतलब हम पढ़ेंगे जब हम लिपिड का डाइजेशन पढ़ेंगे बेसिकली लाइपेज वो एंजाइम होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है ओके लिपिड्स एंड फैट इनके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लाइपेज बोलते हैं ठीक है सो so, टंग ऐसा एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं जो लिपिड्स के डाइजेशन में काम करता है जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है ओके okay. नाउ जो अपर सरफेस है टंग का उसके ऊपर क्या पढ़ा हमने एक तो हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन एक हो गया क्या पैपिले अब इन पैपिले को हमें डिटेल में पढ़ना है सो so, पैपिले ऑफ द टंग अब देखो एक डायग्राम है जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है एक डायग्राम है जो ओरिजिनल डायग्राम है दोनों मैंने इसलिए पुट करे हैं एक साथ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसा हमें दिखेगी और कैसा हमें डायग्रामेटिकली समझना है तो पहले हम समझते हैं तो समझने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम यूज करेंगे जो स्कीमेटिक डायग्राम है देखो टंग के सरफेस पे हमने क्या पढ़ा प्रेजेंट है ठीक है अब कितने टाइप के हैं एक टाइप का पैपिले हो गया अपना सरकम ओके ये जो दिख रहे हैं अपने को ये क्या है सरकम हैं ठीक है ये इस तरीके से एक लाइन में प्रेजेंट होंगे इनको बोलेंगे हम सरकम अब सरकम वेलेट पैपिले के अलावा कुछ पेपिले हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ऑन द साइड्स ऑफ द टंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग दीज आर नोन एज फोलिएट पेपिले ओके दीज आर नोन एज फोलिएट पेपिले ओके नाउ कुछ पेपिले हैं जो डोटेड फॉर्म में दिखा रखे हैं हमें इन डोटेड फॉर्म के पेपिले को यानी कि जो ये पेपिले हैं इन पेपिले को क्या बोल रहे हैं हम फंगी फॉर्म पेपिले ओके okay? तीन पैपिले समझ आ गए हमें सर्कम वेलेट पैपिले जो बिल्कुल सरकम के ऊपर प्रेजेंट क्या बोलेंगे सर्कम वेलेट पैपिले वो पैपिले जो प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे सिर्फ उनको क्या बोलेंगे हम फोलेट पैपिले लेकिन अभी भी टंग खाली खाली है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टंग कौन फिल करता है द फिलिंग पार्ट फिलिंग पार्ट इज फिली फॉर्म पैपिले ओके तो दिस इज नोन एज फिलीफोम अब देखो फिल करने से तो याद रह जाएगा फिलीफोम लेकिन एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट है के लिए वो क्या वर्ड है फिलीफोम के ऊपर क्या नहीं होते टेस्ट बर्ड्स नहीं होते इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन सम ऑफ द पैपिले और देखो फिलीफॉम पैपिले तो बहुत ज्यादा है नंबर में लेकिन इनके ऊपर टेस्ट टेस्ट बर्ड्स नहीं है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन सम ऑफ द समले ऑफ टंग

विजिबल होंगे कुछ विजिबल नहीं भी हो सकते ठीक है सो दी दीज आर अवर सरकम वैलिड क्या फंजी फॉर्म हमें उसी तरीके से दिख रहे हैं जैसे हमने बनाए थे दिख तो वैसे ही रहे हैं लेकिन क्या उतने ही विजिबल हैं नहीं ओरिजिनल टंग पे उतने ही विजिबल नहीं होते ये हो गए अपने फंगी फॉर्म पैपिलर फिर फोलेट यहाँ देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर भी दिख रहा है तो ये क्या हो गए अपने फोलिएट पैपिलर ठीक है फोलियो पैपेले विजिबल है हमारे Then, बाकी जितनी भी पार्ट बच गया उस पार्ट को कौन साथ में हमें टंग में दो स्ट्रक्चर्स और दिख रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं टोन्सल्स ओके टोनसल्स हमारी बॉडी में काफी टाइप के प्रेजेंट हैं और हम यहां पर बात कर रहे हैं लिंगुअल एंड पैलेटाइन टोनसल की तो जो लंग्स जो टोन्सिल हमारी टंग के साथ में अब अटैच है उस टोन्सिल को क्या बोलेंगे लिंगवल टोन्सिल एंड जो टोन्सिल हमारे पैलेट के पास में प्रेजेंट है उस पै उस टोन्सिल को क्या बोलेंगे पैलेटाइन टोन्सिल तो दो टाइप के टोन्सिल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिंगवल टोन्सिल एंड पैलेटाइन टोन्सिल टोन्सिल का फंक्शन क्या होते हैं जब बहुत सारे बैक्टीरियाज इकट्ठे हो जाते हैं मान लो हम कोई फूड कैरी कर रहे हैं और उस फूड को जब हमने ईट किया तो उस फूड में बहुत सारे बैक्टीरिया थे तो उस बैक्टीरिया को उसी ओरिजिनल साइट पे ही जब टंग पे पुट किया हमने उसी जगह पे फिनिश करने के लिए हमारे पास में ये टोनसल्स प्रेजेंट है टोन्सिल्स क्या है इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो टोनसल्स का फंक्शन यही है कि अगर कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास आता है तो उसको किल करने के लिए उसको टॉन्सिल में जब वो जाएगा तो वहाँ पे वो एंजाइम सेक्रेट करके और बी सेल्स एंड टी सेल्स की हेल्प लेके उसको किल कर देंगे इसके बारे में हम इम्यूनिटी में डिटेल पढ़ेंगे सो so ये पार्ट था हमारा टंग का टंग के बाद हम आते हैं फेरिंग्स पे सो वट इज फेरिंग्स अभी फेरिंग्स को जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे तो हमने फेरिंग्स के बारे में एक अच्छी सी बात पढ़ी थी रिमेंबर क्या पढ़ा था हमने कि फेरिंग्स इज अ कॉमन कैविटी फॉर बोथ फूड एंड एयर उसी चीज को हम समझेंगे अब ये कॉमन कैविटी कैसे है ठीक है सो फूड इज पास फ्रॉम माउथ टू द फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है अपने थ्रोट में प्रेजेंट है ओके सो फूड जब माउथ से पास करके थ्रोट में जाता है तो उसको एक स्ट्रक्चर से पास होना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फेरिंग्स बोल बोलते हैं सो फेरिंग्स क्या है फेरिंग्स इज ए फनल सेप्ड ट्यूब फनल सेप्ड कैसी है आगे से देखो फनल कैसी होती है आगे से चौड़ी होती है नीचे से फिर छोटी हो जाती है सो दिस दिस इज ए

है। दूसरा कहां से स्टार्ट होती है इट स्टार्ट नेयर्स एक तो यानी कि जो नोज की आउटर ओपनिंग वो तो क्या होगी? एक्सटर्नल और जो एक्सटर्नल जहाँ पे एंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम इंटरनल नेयर्स ओके तो वो होगी अपनी इंटरनल नेयर्स इंटरनल नेयर्स से स्टार्ट करके और ईसोफेगस तक कहां तक ईसोफेगस तक इसको क्या बोलेंगे हम फेरिंग्स बोलेंगे तो अगर हमें फेरिंग्स का एक्सटेंशन डिफाइन करना हो तो फेरिंग्स का एक्सटेंशन फेरिंग कहां तक डिफाइन करेंगे इंटरनल नेयर से लेके और कहां तक Esofagus तक ईसोफेगस ईसोफेगस के के किस पार्ट में? पार्ट में पोस्टीरियर अंदर सो इट एक्ट्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगा क्या फूड और रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या जाएगी एयर तो दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या हो गया फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना फेरिंग्स हो गया ठीक है तो को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है जो हमने इसमें कलर दिखा रखे हैं ना ब्लू पार्ट ग्रीन पार्ट एंड द अदर वन अब देखो जो ब्लू पार्ट दिखा रखा है ये नेजल कैविटी के कॉन्टेक्ट में है ये वाला पार्ट तो नेजल यानी कि नेजो और फेरिंग्स का पार्ट तो ये है ही तो इसको क्या बोल दिया हमने नेजो। फेरिंग्स क्योंकि फेरिंग्स कहां से स्टार्ट कर रही थी अपने इंटरनल नेयर से तो इंटरनल नेयर्स के साथ स्टार्ट करेगी तो फर्स्ट पार्ट नेजल कैविटी के कॉन्टेक्ट में होगा तो उसको हमने बोल दिया नेजो फेरिंग्स अब जब नेजो फेरिंग्स आगे जाएगी तो ओरल कैविटी के, के साथ यानी कि से हमने फूड इनटेक करा है उसके साथ नोज के नीचे क्या होता है माउथ तो नेजो फेरिंग्स के नीचे क्या हो गई अपनी ओरो फेरिंग्स ओके नेजो फेरिंग्स के बाद आती है अपनी ओरो फेरिंग्स अब माउथ के बाद क्या आता है लैरिंग्स यानी कि ये जाके गस के साथ और उससे पहले इसके आगे क्या प्रेजेंट रहेगा ट्रेकिया प्रेजेंट रहेगा तो हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियरली क्या है ईसोफेगस है एंटीरियरली क्या है ट्रेकिया है तो ट्रेकिया के साथ क्या होता है लैरिंग्स होता है जो अपना साउंड बॉक्स होता है तो लैरिंग्स के साथ जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा लैरिंगो फेरिंग्स तो तीन चीजें हो गई हैं नेजो फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स लेरिंगो फेरिंग्स नेजो फेरिंग्स जो नेजल के साथ में ओर फेरिंग्स जो ओरल के साथ में है लेरिंगो फेरिंग्स जो किसके साथ में है ट्रेकिया के साथ में है या लैरिंग्स के साथ में हाँ सो so, नेजो फेरिंग्स किसके साथ इन्वोल्व है रेस्पिरेशन के साथ में क्योंकि ये नेजल का पार्ट हो गया क्योंकि माउथ का पार्ट है सो इट इज इन्वोल्व इन डाइजेशन लेकिन और में क्या है हमारे साथ में रेस्पिरेटरी पार्ट भी प्रेजेंट है जो आगे जाके सेपरेट हो जाएगा सो इट हैज बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पार्ट एंड लैरिंग फेरिंग्स के अंदर क्या होगा अपना मेनली रेस्पिरेटरी पार्ट और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो किस चीज के लिए आएगा डाइजेशन के लिए तो अपना और मेन साइट है जहां पे डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन होता है और वो पार्ट है जहां पे सिर्फ मेनली क्या होता है रेस्पिरेशन होता है तो ये था अपना का इसका क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इनिशियली ये वाइड कैविटी है उसके बाद ये क्या हो जाएगी नैरो हो जाएगी सो तो फेरिंग्स के बाद में हम देखते हैं इसोफेगस क्या है हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल से लेके और जो अंदर तक जो कैविटी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे फेरिंग्स बोलेंगे और कहां तक जाती है ये इसोफेगस तक जाती है तो यानी कि हमारा फूड अगर जो आया है तो वो माउथ से स्टार्ट होकर फेयरिंग्स में गया और फेरिंग्स से किस में जाएगा फूड इसोफेगस में जाएगा ठीक है इस सीक्वेंस को हम भूलेंगे नहीं फूड कहाँ आ गया है इसोफेगस में आ गया है अब सो द फूड पाइप कनेक्ट्स द फेयरिंग्स टू द स्टमक तो वो स्ट्रक्चर या वो पाइप जो फेयरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है ठीक है किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं फेरिंग्स को स्टमक से यानी कि एक रीजन है एक पार्ट है एक पाइप है जो स्टमक और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट है उस पाइप को क्या बोल रहे हैं हम इसोफेगस बोल रहे हैं यानी कि फूड पाइप बोल रहे हैं क्योंकि उससे फूड प्रोड्यू फूड पासिस करेगा वहां से फूड पास होके और स्टमक तक जाएगा सो देखो यहाँ वाला जो पार्ट था वो फेरिंग्स था यहाँ से अपना स्टमक स्टार्ट हो गया है इसके बीच में ये जो कंप्लीट पार्ट प्रेजेंट है इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम इसोफेगस बोलेंगे अब इसोफेगस के अंदर हमें दिख रहा है कि ये फूड पार्टिकल था ये यहाँ से लेके और पास होते होते कहाँ जा रहा है स्टमक के पास में जा रहा है ठीक है ये जो प्रोसेस है जिससे ये स्टमक तक जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक है अभी हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की डिटेल पढ़ेंगे सो तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमारा जो फूड पाइप है या जो ईसोफेगस है उसकी लेंथ कितनी होती है हाउ मच लॉन्ग डेगस सो इट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब और किसकी बनी हुई है मसल की बनी हुई है तो क्या हो गई ये ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ सो इसकी क्या लेयर्स थी इसकी लेयर्स भी वही होंगी जो चार लेयर हमने एलिमेंट के नाम में पड़ी थी क्या क्या सिरोजा देन मस्कुलरिस देन सब म्यूकोजा देन म्यूकोजा इनमोस्ट लेर और सब म्यूकोजा और म्यूकोजा में क्या पढ़ा था हमने कि वो क्या करती है म्यूकोजा मेनली क्या सिक्रीट करती है म्यूकस सिक्रीट करती है तो सब म्यूकोजल एंड द म्यूकोजल ग्लैंड प्रेजेंट इन दिसोफेगस दे विल सिक्रिट वट दे सिक्रिट द म्यूकस और इस म्यूकस का क्या काम है जो ये फूड यहाँ से नीचे ट्रेवल कर रहा है

ताकि जो इसोफेगस है उसका जो एपिथीलियम है जो अंदर की जो लाइन है वो क्या रहे लुब्रिकेटेड रहे और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो फूड का और वो इजीली पास कर जाए ओके इसके अलावा इस म्यूकस का और क्या काम है ये फूड को बोलस की फॉर्म में बनाता है ठीक है उस फूड को हेल्ड करके रखता है ताकि एक बोलस जाए एक एक छोटा छोटा टुकड़ा ना निकले एक कंप्लीट बोलस बने फूड का और वो फूड जो है स्टमक तक पहुंचे इट प्लेज नो रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड ओके दिस इज ए डबल स्टार मार्ट क्वेश्चन और वी सुड से इट इज ए फाइव स्टार क्वेश्चन फाइव स्टार क्वेश्चन क्यों है ये क्योंकि ये ट्रू एंड फोर स्टेटमेंट में मैनी टाइम्स इट इज रिपीटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट में पूछेंगे तो हमसे पूछेंगे कि इसोफेगस प्लेज नो रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड ठीक है तो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में इसोफेगस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ईसोफेगस कोई ऐसा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं कर रहा वहां पे किसी अलग से किसी प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का या फिर फैट का कोई डाइजेशन नहीं होगा इसलिए इसोफेगस प्लेज नो रोल इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड ये बात हमें बिल्कुल अपने माइंड में एम्बेडेड कर लेनी है कि ईसोफेगस का कोई रोल नहीं होता किस में नहीं होता केमिकल डाइजेशन में नहीं होता लेकिन अगर केमिकल डाइजेशन की वजह है हमें क्वेश्चन में पुट कर दिया कि फिजिकल डाइजेशन ओके मैकेनिकल डाइजेशन उसमें रोल होता है क्योंकि फूड की मूवमेंट को कराना ठीक है फूड को डाइजेशन के लिए स्टमक तक लेके जाना ये सब काम किसका है इसोफेगस का काम है इसलिए केमिकल डाइजेशन में इट हैज नो रोल बट फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन में इट हैज सम रोल ओके इसके बाद में आते हैं इट्स ओनली रोल इज द कंडक्ट द फूड बोलर्स फ्रॉम माउथ टू द स्टमक कहां कहां से कहां तक? से तक तक माउथ लेके स्टमक ये क्या करेगा फूड को ट्रेवल करवाएगा बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है इसका मेन फंक्शन जो फंडामेंटल फंक्शन है इसका वो है कि फूड को मूवमेंट करा के माउथ से लेके और स्टमक तक पहुंचा देना जहां पे उसका केमिकल डाइजेशन होगा मेन केमिकल डाइजेशन होगा और इस इन सबको इस मूवमेंट को करवाने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है पेरिस्टाल्टिक वेव ये पेरिस्टाल्टिक वेव क्या करेंगी उस बोलस को पुश कर देंगी और वो बोलस क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा अब हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे पेरिस्टाल्टिक वेव का सपोज दिस इज द फूड बोलस ओके अब ये यहाँ प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा जो अपनी फूड पाइप है वो इस वाले पार्ट को एक्सटेंड करेगी इस वाले पार्ट को कंस्ट्रिक्ट करेगी ओके यहां से कंस्ट्रिक्शन होगा और यहां से एक्सटेंशन होगा ताकि क्या हो अगर ये कंस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन सिंक्रोनाइज़ली हो रही हैं तो क्या होगा ये पार्ट एक्सटेंड कर जाएगा और आगे वाला पार्ट नॉर्मल है अभी तो ये फूड बोलर्स कहाँ आ जाएगा वहां से ट्रेवल करके और यहां आ जाएगा ठीक है ना यहां से ट्रेवल करके और यहां पहुंच जाएगा ये फूड इस कंस्ट्रिक्ट एंड डीकंस्ट्रक्टिव मूवमेंट की वजह से सो so, जो आगे वाला पार्ट है उसको लूज करेगा और जो पीछे वाला पार्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा इस वजह से क्या होगा ये फूड मूव करेगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तो so, इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल रहे हैं ये जो पुश एंड पुल वाली टेक्निक जो लगा रहा है इसोफेगस अपने साथ में इसको क्या बोल रहे हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल रहे हैं ठीक है नाउ इसोफेगस के बाद में क्या आता है फूड हमने माउथ से स्टार्ट किया फेनिंग से निकाला फेनिंग से निकाल के इसोफेगस में गया इसोफेगस ने पेरेस्टार्टिक मूवमेंट करी इसोफेगस की पेरेस्टार्टिक मूवमेंट के बाद में फूड कहाँ पहुंच गया अपने स्टमक के पास पहुंच गया ओके okay, अब फूड आ गया हमारे स्टमक